हेलो बिल्कुल सुबह फ्रेंड्स, मैं डीएसडी में संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस यूट्यूब चैनल। तो आज आपके सामने जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, ये आपका ट्वेल्थ का जो बिलियन पार्ट का मैं न्यूमेरिकल हल करवा रहा हूँ, तो उसमें का नेक्स्ट पार्ट है। मतलब उसमें दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन इस तरीके से मैं हर एक पार्ट में लेकर आया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन अधिक हैं, न्यूमेरिकल्स आपके बहुत हैं। तो इसमें आज हम दो न्यूमेरिकल, मतलब दो क्वेश्चन आज आपका रहेगा, जो आपका हिमांक और अनुमान स्थिरांक इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं, अभी क्वेश्चन आपके सामने लगा देंगे, आप खुद देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन, पर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसमें आपको कभी कभी आपका तमाम चीज़ें निकालना हो जाता है कि आपका अनुमान स्थिरांक दिया रहे या उन्नयन स्थिरांक दिया रहता है, कभी कभी उसका भार भी दिया रहे, क्या क्या चीज़ें दी रहती हैं इसमें, क्या निकालने को भी पता नहीं, मतलब इस तरीके क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा एक बार, आप क्वेश्चन को आप फर्स्ट स्पीड में जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको कैसे लगाना होगा वो आपको हम बताएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर लगाएंगे, मैं बुक से यहाँ पर बताऊंगा और यहाँ पर क्वेश्चन आपका लग जाएगा, ध्यान दीजिएगा। मेरे सेकंड चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, एक बार जरूर चेक कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन वो मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की जानकारी उस पर देते हैं। प्लीज़ इसको भी चैनल को सब्सक्राइब, जो भी यहाँ पर जुड़े हैं, जितने भी बच्चे जितने भी लोग जुड़े हैं यहाँ पर, वहाँ जाके जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम यहाँ पर लगाते हैं और पढ़ते हैं। देखिए 11th नंबर क्वेश्चन है, आपके बुक में मिलेगा NCERT से। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी, मतलब आपका दिया गया एस्कॉर्बिक अम्ल, उसके जो द्रव्यमान का परिकलन करना है, क्या परिकलन करना है, द्रव्यमान का। तब बात सोचिए, द्रव्यमान निकालना हुआ तो आपका कभी कभी क्या निकालना, द्रव्यमान निकालना, उसका भार निकालना, उसका आपका क्या ताप निकालना, पता नहीं क्या क्या निकालना होता है, कोई भरोसा नहीं है। पर सूत्र जो है एक ही लगेगा, सूत्र आपका एक ही लगेगा, ध्यान दीजिएगा, बस केवल सूत्र एक ही है। तो आपका द्रव्यमान का परिकलन करना है, जिसे हम 75 ग्राम एसटी कम में घोलने पर उसके हिमांक में 1.5 सेंटीग्रेड की कमी आ जाती है, तो हमें निकालना है, ठीक है। पूरे क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया और के एफ का मान भी दिया गया है, जो आपका के एफ का मान कितना है, 3.9 के। टोटल चीज़ें दी गई हैं, जो नहीं दी गई हैं उसको हम किसी तरीके से निकालेंगे। और क्वेश्चन को हम यहाँ पर हल करते हैं, चलिए दिखाते हैं कैसे हल होता है। सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिखिए, दिया गया है जो चीज़ें, हिमांक में हम अवनमन लिख सकते हैं, विलायक क्या है उसको विलायक के लिख सकते हैं, विलायक का द्रव्यमान लिख सकते हैं, विलायक का द्रव्यमान लिख लीजिए कितना है पहले नंबर, तो विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कितना है क्वेश्चन में देखिए, विलायक का द्रव्यमान कितना है, जिसको हम अगर नाम देना चाहें तो हम इसको W1 बोल सकते हैं, W1 मतलब विलायक आपका बड़ा होता है। तो इसमें को मैं सूत्र बनाना सिखाया था, बिलियन पार्ट का सूत्र बनाना सिखाया था। सूत्र आप को याद नहीं होता है तो आपको कैसे रखना होगा, सूत्र आप कैसे बना पाएंगे, ये समझ, कैसे W1 इसको हम नाम दे दिए, कैसे उसको W2 नाम देते हैं, कैसे उसको M1 नाम देते हैं, M2 देते हैं, क्यों, मैंने बोला था उस वीडियो को देखिएगा कि विलायक जो होता है वो अधिक होता है, बड़ा होता है, तो जो अधिक होगा बड़ा होगा वो आगे ही आएगा फर्स्ट पर, सेकंड पर उसके बाद आएगा ना। तो W1 आपका कितना है, विलायक मतलब अधिक होगा आपको पता है, तो इसमें आपका ज़्यादा क्या है, तो आपका एस्टिक है, तो कितना है आपका 75 ग्राम है, कितना है 75 ग्राम, ठीक, ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं विलायक का मोलर द्रव्यमान, विलायक का मोलर द्रव्यमान निकली, इसका हम मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं, ठीक है। मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान को हम M1 से नाम देंगे, M1 से इसका हम M1 मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 60, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब यार मोलर द्रव्यमान मतलब हम, मैंने इस सवाल इस तरीके से सवाल मैंने बोला, जो भी विलायक रहे, जो भी विलेय रहे, उसका हम मोलर द्रव्यमान मतलब उसका अणुभार वगैरह निकालना जरूर जाने, कैसे निकालेंगे वो आपको पता ही है। अगर हम देखते हैं क्या है हमारा सूत्र, यहाँ देखते हैं जो फार्मूला है वो क्या है, CH3COOH, सी का कितना होगा, कार्बन का कितना होता है देखते हैं, तो 12 प्लस H का एक तिक्के 3 हो गया, और प्लस 12 ये हो गया, प्लस 16 दो बार 16, ये 16 और ये 16, और प्लस हाइड्रोजन का एक, देखते हैं तो हमारा कितना होता है। देखिए 12 दूना 24, ये 24 हो गया, ठीक, 16 दूना 32, ये 32 हो गया, ठीक, और 3 1 4, ये 4 हो गया,
ठीक है। अब देखिए 24 ये है, इधर 26 को जो लीजिए 36 हो गया, और 36 और 24 6 4 10 हो गया, और 3 2 5 10 60 हो गया। तो यही है आपका 60, मतलब इसका हम जब बाहर निकाल लेते हैं तो मोलर द्रव्यमान होता है। तो ये पहले हम सवालों में डिस्कस कर चुके हैं, आपको ये बड़ा अजीब लग रहा होगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को पिछली वीडियो को जरूर देखिए, इसमें हम कई पार्ट बना चुके हैं। इनके सूत्र को कैसे बनाया जाए, M1 M2 गुड़ा क्या 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 पूरा यार सूत्र बनाए हैं, मोलरता नॉर्मलता मोललता कैसे निकाला जाए बिना सूत्र के सहारे से, सभी वीडियो बनाए उसको जरूर देखिए। तो इसके सहारे से हमने निकाला, अब हमें क्या निकाले, हम हिमांक में अनुमन देख लेते हैं कितना है। हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन कितना है, हिमांक में अवनमन मतलब इसको बोलते हैं डेल्टा टी एफ, जो कि मान दिया गया है 1.5 अंश, ठीक। और चीज़ें जो भी मिले हैं, अब बिलय का देख लेते हैं, बिलय का अभी तक तो विलायक का था, बिलय का मोलर द्रव्यमान, बिलय का मोलर द्रव्यमान अभी छोटा हो, इसको हम M2 दे सकते हैं, छोटा है दूसरे नंबर पर M2 हो जाएगा। मोलर द्रव्यमान इसका निकालेंगे, बिलय हमारा क्या है उसको देखते हैं। तो बिलय हमारा जो कि आपके सामने है वो है आपका स्कॉर्बिक अम्ल, जो कि आपका यहाँ से C6H8 और O6, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर 12 6 72 और 8 1 8 और 6 16 6 96 सब जोड़ लेंगे तो लगभग आपका लगभग क्या 176 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 176 ग्राम मोल में लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा इसमें भी ग्राम मोल में लिखेंगे, ठीक है। ग्राम मोल -1 इसमें भी -1 क्योंकि ये बटा में होगा, मोल क्या होगा, इतना ग्राम प्रति मोल। जब हम मोलर द्रव्यमान लिखें तो हमें जैसे 4 ग्राम आ रहा है, तो 4 ग्राम प्रति मोल ये बटा में रहता है, तो इस मोल को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये एक मोल है, तो एक आपका माइनस में हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है जब हम मोलर द्रव्यमान निकालें। तो ये हो गया आपका, इसमें आपका KF देखते हैं, दिया गया 1.3.9 KKg मोल -1। फार्मूला यूज करते हैं, M2 बराबर 100 KFW2, मतलब इसको हम गुड़े में लिख सकते हैं, 1000 गुड़ा KF गुड़ा W2 अपॉन W1 गुड़ा डेल्टा TF। ये सूत्र, इस सूत्रों से सूत्र बनाना मैंने पिछली वीडियो में 2 वीडियो बना चुका हूँ, उसको देख लेना, तो ये फार्मूला आपको मिल भी जाएगा। इस पर हम रखते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाती है W2, इसमें निकालना है W2, इसको यहाँ रखिए, और M1 W2 गुड़ा डेल्टा TF और 1000 और गुड़ा KF, ये हो गया। इसमें मान को पुट करिए, M2 176 176 और गुड़ा में 75 गुड़ा में 1.5, तीनों का मान रख दिए। उसके बाद यहाँ पर 1000 गुड़ा 3.9 इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो हमारा 5077 ग्राम आएगी, ठीक है। मोल ग्राम जो भी कट जाएगा, ये W क्या है आपका भार है, भार तो ग्राम किलोग्राम में आएगा, तो ये चीज़ ध्यान देना है। और इसको कैसे काटना है इसके लिए पिछली वीडियो जरूर देख लीजिए, कैसे कैलकुलेशन की बेसिक कैलकुलेशन होती है, सारी चीज़ें दशमलव का हटाकर कैसे काटना होता है, ये सारी चीज़ें उसमें आपको मिलेगी, ठीक है। इसमें जो है आपको ये कैलकुलेशन आपको हार्ड पड़ेगी, तो ये कैलकुलेशन कैसे की जाती है इसका भी वीडियो हम बनाए हैं, बहुत आसान तरीके से कैलकुलेशन की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हमारे ही चैनल पर है, आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। ऐसी कोई ट्रिक नहीं बची, ऐसे कोई नियम नहीं बचा, ऐसा कोई रूल नहीं बचा है कि आपको ना पता चले कैलकुलेशन की।
तो कैलकुलेशन जरूर सीखना, हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। इस सवाल का उत्तर ये आ जाएगा। और मैं चलता हूँ अगला नंबर सवाल लेते हैं, 12 नंबर सवाल आपके सामने। यहाँ पर क्वेश्चन को लगा देंगे और आप क्वेश्चन देखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए ये सारी चीज़ें मिटा देते हैं। क्या पता सभी चीज़ें सेम हो, लेकिन सेम नहीं होती हैं, प्रश्न के हिसाब से अलग अलग रहा है। क्वेश्चन देखते जाइए और उसके बाद सभी चीज़ें, जो भी चीज़ें इसमें दिया गया है उसको लिख लीजिए। पहला नंबर काम यही करना है हमारा। देखिए प्रसरण दाब इसमें से आपको देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रसरण दाब का पास्कल द्वारा परिकलित करना है, मतलब प्रसरण दाब है निकालना है। तो आपका 150,000 मोल द्रव्यमान वाले एक बहुलक के 1 ग्राम को 37 सेंटीग्रेड पर 450 ml जल में घोलने में उत्पन्न विलयन के प्रसरण दाब का पास्कल में परिकलित कीजिए। तो इसका हम आंसर कैसे निकालेंगे प्रसरण दाब का? तो कोई दिक्कत नहीं, पहले हम प्रसरण दाब का जो फार्मूला था उसको लिख लेते हैं। तो प्रसरण दाब पाई बराबर CRT, मतलब CRT मतलब W2 गुड़ा R गुड़ा T अपॉन M2 गुड़ा V। ये ठीक सेम फार्मूला है। अब इसमें जो बहुलक है उसका द्रव्यमान देखते हैं। बहुलक का द्रव्यमान, जो बहुलक है उसका द्रव्यमान, बहुलक मतलब W2 आपका जो है वो कितना है 1.0 ग्राम। और उसके बाद आपका बहुलक का मोलर द्रव्यमान देख लेते हैं। सेम इसका मोलर द्रव्यमान क्या, मोलर द्रव्यमान जरूर निकालना होगा, मतलब उसका भार और उसका अणुभार। सीधी बात, भार और अणुभार सभी में निकालना है, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं M2 बराबर 185,000 ग्राम प्रति मोल, ठीक। ये हो गया। उसके बाद विलयन का आयतन कितना है टोटल देख लेते हैं। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन जिसको हम वी बोलते हैं, ये कितना है 450 ml है। और इसको हम लीटर में बदलते हैं तो 1000 का इसमें भाग देंगे तो 1000 मतलब 3 दशमलव इधर आएगा तो आपका हो जाएगा 0.45 लीटर, ठीक है। ये हो सकता है। ताप देखते हैं, ताप मतलब टी जो कि आपका 37 अंश पर है, और अगर 273 पर इसको हम चेंजिंग करते हैं तो हमारा केल्विन में मान 310 केल्विन आ जाएगा, ठीक है, 310 केल्विन। तो विलयन का स्थिरांक कैपिटल आर बराबर 1.34 ये आपका हो गया। अब आपको ये बात सोचनी है कि जो विलयन का स्थिरांक है, ठीक है, जो कि आपका वैल्यू होती है वो आपका विलयन का स्थिरांक वो आपका फिक्स होता है। इसको हम रखेंगे तो ये 10.3 पास कर ये सारी चीज़ें, तो हम इसमें मान रखेंगे पाई में उस वाले फार्मूले पे। W2 कितना है 1 ग्राम है गुड़ा 8.314 AR का मान हो गया, ठीक है, विलयन का स्थिरांक ये मान, इसके साथ 10 अभी नहीं लिखे, 10 की पावर 3, ठीक है, और गुड़ा 310 केल्विन बटा में 85,000। इसको हमें काटना है, कैलकुलेट करना है, तो जब इसको हम काट लेंगे तो 30.96 आ जाएगा। कैसे आएगा ये भी देखते हैं एक बार, आप इसको हल करिएगा। दो तीन नियम से 10 की पावर को अलग कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद आप सब गुणा करके भी भाग कर सकते हैं, एक एक को काट करके भी भाग कर सकते हैं। जैसे देखते हैं इसमें आपका 3 जीरो है, इसमें से 3 जीरो दशमलव हटाएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, तो फिर इसका हम ये 3 जीरो अलग निकाल लेंगे, 3 जीरो इसको भी निकालेंगे, जितने जीरो होंगे आपका 3 जीरो, ये 3 जीरो इसमें का निकालेंगे। अब सोचेंगे 0 0 क्या कर रहे हैं, इसमें सर देखिए ये 3 जीरो इसको दशमलव हटाएंगे 3 जीरो लगेगा, 3 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से, 6 जीरो हो जाएगा, 1 जीरो इसका भी हटाएंगे तो 3 जीरो। एक रूल ये भी कहता है अगर यहाँ पर सेम 3 अंक पर दशमलव है, 3 अंक पर इसमें दशमलव कैंसिल होगा क्योंकि 0 0 भाग करेंगे।
तो ये आपका ये कट जाएगा, तब भी आपको इसको उसको भाग कर सकते हैं, फिर इसमें भी कम हो जाएगा, तीन ही ये 3-0 और ये 3-0 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 310, 45 केवल बच रहा है, 450 बच रहा है और ये 185 बच रहा है, आप इसको भाग कर लीजिएगा, आराम से भाग कर लेंगे, ये बार करेंगे। तो ये था आपका इसका इसका हल, इसको ज़रूर कोशिश करिएगा कि आप इसको हल करना सीखें और अच्छी तरीके से सीखें कि जिससे कोई दिक्कत ना हो। पहले हमें क्या चीज़ें होती हैं कि सभी चीज़ों को देखना था, विलेय का और विलायन सॉरी विलायक का उसमें जो बहुलक है, तो इनका सबका द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान ये सारी चीज़ें जरूर लिखना होता है, उसके साथ साथ जो भी अवमान स्थिरांक उन्नयन स्थिरांक प्रसरण दाब जो कुछ भी हो सभी लिख करके हम उसको हल कर लेंगे। तो ये था आज का वीडियो, इसके बाद जो भी विलयन का भी और न्यूमेरिकल बचते हैं इम्पॉर्टेंट अवतार विद्या या आपका राजीव प्रकाशन या और भी जितनी भी गाइडें या आपकी कुंजियाँ आती हैं उनमें से सभी हल करवाएंगे और पूरा न्यूमेरिकल आपका विलयन पार्ट से अधिक हल हो जाएगा कि आपको फंस जाएगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो पिछला भी देख लीजिएगा, कैसे सूत्र को तैयार करना होता है, सूत्र कैसे याद हो, ये सूत्र आपको कहाँ से पद मिले, ये सारे सूत्र मैं बनवा चुका हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इंग्लिश के लिए कैलकुलेशन के लिए और किसी भी सब्जेक्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर कर देना, लाइक हो सके करना, नहीं तो करना।